मोबाइल नंबर के लिए जरूरी होगा आधार। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जारी किया नोटिस। बिना आधार वेरीफाई वाले नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद होंगे गैर कानूनी। बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। समर्थन कर रही आईमा ने किया ऐलान, मार्च पहले ही कर चुका है काम पर लौटने का ऐलान। कैश ट्रांजैक्शन पर चार्ज को लेकर वित्त मंत्रालय की सफाई। चार्जेस को लेकर बैंकों को नहीं दिया कोई आदेश। बैंकों ने तय की है महीने में फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा, उसके बाद लेते हैं चार्ज। जीएसटी लागू होने से पहले दुविधा में टेलीकॉम कंपनियां। सर्कल की जगह हर राज्य में अलग अलग चुकानी पड़ेगी फीस। कंपनियों की मांग, बैंक की तरह दी जाए तरजीह। निफ्टी 9100 के ऊपर टिकने में कामयाब। सेंसेक्स 89, निफ्टी 22 अंक चढ़कर बंद। बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा चढ़े, आईटी शेयरों पर दबाव। एसबीआई लाइफ के आईपीओ की प्रक्रिया शुरू। आईपीओ के जरिए एसबीआई लाइफ में 8% हिस्सा बेचेगी स्टेट बैंक। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की मुश्किल बढ़ी। कोर्ट में दाखिल सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार। नए बनाए गए सभी पांचों आरोपियों को 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश। पांच में से चार जेएसपीएल के पूर्व अधिकारी। प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी किरायों की लगातार होगी समीक्षा। राज्यसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बदलाव से यात्रियों को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के सांसदों के साथ की मीटिंग। पीएम ने कहा गरीबों की झोपड़ी में रात गुजारें, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। पीएम मोदी अजमेर की गरीब नवाज दरगाह पर चढ़ाएंगे चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह को सौंपी चादर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की बड़ी पहल, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान की पूरी सैलरी। पीएम मोदी को सौंपा चेक, भविष्य में सिर्फ 1 रुपए लेंगे टोकन सैलरी। चप्पल मारने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस लगाया बैन, अब फ्लाइट से नहीं कर पाएंगे सफर। सांसद का माफी मांगने से इंकार। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के पोस्टर से हटा आम आदमी नाम, केजरीवाल की तस्वीर भी ढकी गई। चुनाव आयोग के आदेश पर कार्रवाई। ईवीएम से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा चुनाव आयोग को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। विजय माल्या को भारत लाने की उम्मीद बढ़ी। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यर्पण की अर्जी ब्रिटिश कोर्ट में दी। भारत सरकार ने ब्रिटेन को दी थी प्रत्यर्पण की अर्जी। उन्नीस सौ 84 सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी 199 फाइलें। 3 हफ्तों में 199 फाइलों को मुहैया कराने का दिया आदेश। ईबे के भारतीय कारोबार को खरीदेगी फ्लिपकार्ट, एक रिपोर्ट के हवाले से खबर। ईबे इंडिया के हेड लतीफ नथानी दे चुके हैं इस्तीफा। टोयोटा ने भारत में लॉन्च की लेक्सस ब्रांड की 3 लग्जरी गाड़ियां। शुरुआती कीमत 1,07,00,000। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और जेएलआर से होगी टक्कर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होगा बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। अमित शाह करेंगे संबोधित, तैयारियां पूरी। कल से खेला जा रहा धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीमें।